करना स्टार्ट करें। आपके स्क्रीन पर यह रहा सवाल, जो कि संविधान से पूछा गया है। चाहे आप पीएससी की तैयारी करें, चाहे व्यापम की तैयारी कर, साथ ही यह खास तौर पर यह वीडियो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए है, जिसका एग्ज़ाम आपका 29 जनवरी को होने वाला है और आज आपका 25 जनवरी है। यानी कि आप देख सकते हैं कितने का अंतर है, 25 और 29 यानी कि 4 दिनों का अंतर है। तो आप बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ रिवाइज करके जाइएगा, ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में रिलेटिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपके स्क्रीन पर यह रहा सवाल, पहला प्रश्न आपके सामने। अब आपको जांचिएगा, अपने आप को परखिएगा कि आप कितने पानी पे हैं, कितने दूध पे हैं, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करके रख लीजिएगा। चलिए जल्दी से कमेंट करेगा, आपको मैं सिर्फ 30 सेकंड का समय देता हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें, जल्दी से कमेंट करें कि पहला प्रश्न है आपके सामने, संविधान की किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। जल्दी से कमेंट करें फटाफट, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पीएससी प्री एग्ज़ाम और साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पर उसी के लिए यह वीडियो है। पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ रिवाइज करें, अपने आप को परखिए, टेस्ट करें, ये टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट क्लास लेकर आया हूँ, छत्तीसगढ़ का कोई क्लास नहीं है आज, सिर्फ भारत का है, यानी कि इंडियन जीके का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। रिलेटिव क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में देखने को मिलेगा। फटाफट कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें, जल्दी से क्या आंसर आएगा, ए बी सी डी क्या आएगा, ए बी सी डी, जल्दी से कमेंट करें फटाफट। देखिए आंसर आना चालू हो रहा है फटाफट, बिल्कुल सही है। जितने लोगों का आंसर पहला आया है, यानी कि 31वें संशोधन, यानी कि 31वें संशोधन जो है 525 से बढ़ाकर 545 कर दी, वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, वेरी गुड। 31वें संशोधन, यानी कि संविधान के 31 संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है 525 से कितनी कर दी है, 525 से 545 कर दी गई है, ठीक है। फटाफट कमेंट करते जाइएगा। जी हाँ राकेश, क्या है बात, वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट कम। देखिए इसका मैं डिटेल बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको जान लीजिएगा कि 31वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 1973 के द्वारा लोकसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व जो अधिकतम संख्या है 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जो सदस्यों की जो अधिकतम संख्या थी 25 से घटाकर 20 कर दी गई है, ठीक है, अनुच्छेद 81 में। बिल्कुल सही है, मैं डिटेल भी बताने वाला हूँ। हाँ, जो लोग व्यापम पीएससी प्री एग्जाम की तैयारी करें उसके लिए खास तौर पर वीडियो है, आप सभी के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो यहाँ पर पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रिवाइज करिएगा, अपने आप को परखिएगा, ठीक है। चलिए कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। बिल्कुल भारत का संविधान से क्वेश्चन लेकर आया था मैं, उसमें कम से कम 400 से 500 लोगों ने कमेंट किया था कि सर बिल्कुल आप ऐसे रिलेटिव क्वेश्चन लेकर आएँ, तो मैं क्वेश्चन रिलेटिव लेकर आया हूँ और मैं टाइम टू टाइम क्लास अटेंड करता हूँ, ठीक है। 7:30 से 8:30 के बीच ये क्लास बिल्कुल चलती है, रात को शाम के, बिल्कुल रिवाइज करके जाइएगा दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ओके। तो चलिए देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा चुनाव का जो प्रत्याशी अपने जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आएगा। आपको मैं 30 सेकंड का समय देता हूँ, जल्दी से कमेंट करें फटाफट। हाँ बिल्कुल, कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है, राकेश, मोहन, दीप्ति, मोहन, काजल, हाँ बिल्कुल सही है, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, और इसका क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए लोकसभा चुनाव का जो प्रत्याशी होता है अपनी जमानत राशि खो देता है, क्यों खो देता है इसका मैं डिटेल बताऊंगा, लेकिन पहले इसका कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा या चौथा। देखिए इसका आंसर भी आना स्टार्ट हो चुका है फटाफट। हाँ चलिए अब बस हो गया, चलिए मैं इसका आंसर देखता हूँ कितने लोगों का सही आया है। तो देखिए इसमें 69 लोगों का सही आया है, देखिए इसका आंसर 4 होगा। देखिए लोकसभा चुनाव का जो प्रत्याशी होता है अपनी जमानत राशि खो देता है, क्यों खो देता है, क्योंकि देखिए 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता तो उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है। कौन सी आएगा, 1/6, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन 4 होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1/6 जो है अपनी भाग का प्राप्त नहीं कर पाता वो उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, मैं डिटेल आपको बताने वाला हूँ। देखिए
ध्यान से समझिएगा, आप भी जाने देखिए, लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों से 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तो उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कहता है कि 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों की जो सीटों की संख्या है 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है, ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह विशेष है कौन से में है, 2010, 2015, 2021, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। या फिर इसका एक और क्वेश्चन है, देखिए इसका 4, ठीक है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। देखिए 30 सेकंड का समय है, जल्दी से कमेंट करें, और जो लोग तैयारी नहीं करना चाहते तो बिल्कुल वीडियो पर हट जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जो लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए मैं आप सभी के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर रिवाइज कीजिएगा, कोई अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को परखिए। बिल्कुल कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कमेंट आ चुका है, ABCD कौन सा आंसर, सी और डी आंसर बिल्कुल आ रहा है, CD। देखिए यहाँ ये तो बिल्कुल नहीं होगा, मेरे को पता है और आप लोग को भी पता होगा, जो तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी बोला गया है, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं होता। देखिए सी और डी आंसर आया, तो जितने लोगों को आंसर डी आ चुका है बिल्कुल सही है, 2026। मैं आपको डिटेल भी बताने वाला था लेकिन इसका आंसर नहीं दिया है, ठीक है सिर्फ इसका 226 ही याद रखना आपको दोस्तों। अभी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, सिर्फ रिवाइज कीजिएगा, ठीक है इधर उधर की बातें ना करें यहाँ पर प्लीज़, बाकी स्टूडेंट को डिस्टर्ब होता है। ठीक है मोहन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं आप सभी को एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि देखिए मैं राज्यसभा और लोकसभा से क्वेश्चन कराने वाला हूँ अभी, जो कि एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो खास वीडियो पर आए हो, सही वीडियो पर आए हो आप लोग। ठीक है, तो देखिए राज्यसभा लोकसभा और संसद से मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो आप कॉपी में नोट रख लीजिएगा। ठीक है, आप साथ में कॉपी नोट रखिए, जो हाँ मैं नोट्स कराऊंगा भी, जो राज्यसभा और लोकसभा से पूछे गए प्रश्न है बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाएगा, इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे राज्यसभा लोकसभा संसद से, वहाँ से एक नया क्वेश्चन आता ही है, तो कॉपी रख लीजिएगा साथ में, मैं आपको कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है वो आप संविधान से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर कमेंट ना करें प्लीज़, फालतू के बकवास ना करें। ठीक है, मैं यहाँ पर मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई इधर उधर की बातें ना करें। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है। यदि वह इस राय का है कि लोकसभा इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, फटाफट कमेंट करें। देखिए आंसर आ चुका है, देखिए राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य, सिर्फ 2 सदस्य को नामित कर सकता है, कितने सदस्य, 2 सदस्य, और देखिए 79 लोगों का आंसर आया है, 79 लोगों का आंसर 3 आया है, यानी कि 2 लोगों को नामित कर सकता है। यदि वह इस राय का है तो लोकसभा इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करता, बिल्कुल सही है राकेश, आंसर आप सभी का आया है। देखिए मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कौन सा, जल्दी से कमेंट करें क्या होगा, राष्ट्रपति, जल्दी से लिखे राष्ट्रपति। कितने लोग मेरे चैनल पर जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट करें जी, बिल्कुल सही है, कितने लोग हैं टोटल गिने तो 132 लोग, बढ़ रहा है संख्या, बढ़ रहा है, ठीक है बढ़ते जा रहा है, ठीक है मतलब यहाँ पर अनुमानित मैं बता रहा था लेकिन यहाँ पर बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज करिएगा, रिवाइज करते जाइएगा। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति इस समुदाय के सिर्फ 2, ठीक है 2
अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है। ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रपति जो है इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 331 के अनुसार, याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछता है इसीलिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन जल्दी से कौन कौन आंसर देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है, कहाँ किया गया है जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश के बाद बोला गया है, तो इसका आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए आंसर आना चुका, बिल्कुल सही है, आंसर महाराष्ट्र में आ चुका है और बिल्कुल सही है। गुड, वेरी गुड, सभी को गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, भारत के किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए राज्यसभा लोकसभा जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद मैं आपको राज्यसभा लोकसभा और संसद से क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जब कॉपी नोट रखने के लिए बोलूँगा तब रख लीजिएगा साथ में, ठीक है। अभी आप लोग रिवाइज कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। क्या आएगा कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। 30 सेकंड का समय दिया जाता है आपको, फटाफट कमेंट करें। वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं? जल्दी से सर्वाधिक है, जल्दी से बताइएगा क्या आएगा फटाफट। हाँ बिल्कुल सही है, जितने लोगों का आंसर आ रहा है बहुत अच्छा अच्छा आंसर आ रहा है, ठीक है। हाँ उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। जैसे कि मैं अभी फर्स्ट टाइम में आपको बताया था कि भारत में यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा राज्यसभा प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। देख लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। और इस लोकसभा में 80 स्थान और राज्यसभा में 31 स्थान आवंटित है। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो राज्य के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है, पूछा गया है, सही नहीं है। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर फटाक से कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। देखिए हाँ बिल्कुल सही है, ये तीसरा कैसा होगा भाई, यहाँ पर ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पूछा क्या गया, राज्यसभा को उपस्थित ये भी नहीं होगा, राज्यसभा को घोषित करना ये भी नहीं होगा, क्या होगा ये देखिए। बिल्कुल सही आंसर आया है, 3 लोगों का आंसर आया है। अब देखिए अब क्या मतलब भाई यहाँ पर, अब पढ़ाने से अब मैं इतना अच्छा, सभी लोगों का कमेंट आ रहा था और इसका आंसर अब पता नहीं है बोल रहे हैं। सॉरी सर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत होता है, कोई दिक्कत नहीं है, अब रिवाइज करके जाइए ना। बिल्कुल सही है, कितने लोगों का आंसर आ रहा है, 39 लोगों का आंसर आया है और 29 लोगों का आंसर गलत आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई सभी का सभी आंसर सही हो जाएगा क्या, रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर 4 होगा, ठीक है। तो राज्य सूची के सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रहित में विधि केवल राज्य बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसका कमेंट करके बताइएगा फटाक से। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? 30 सेकंड का समय है, फटाक से कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। हाँ बिल्कुल सही, देखिए इतना जल्दी आंसर आ रहा है, कल से ज़्यादा अच्छा आंसर है, मतलब एकदम स्टूडेंट लोग फटाफट तैयारी करने में स्टार्ट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, मेरे को बहुत खुशी लग रहा है। ओके बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को आज, अच्छा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सही है, आंसर आना स्टार्ट ही हो चुका है। देखिए इसका आंसर हाँ बिल्कुल अनुच्छेद 249 जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत, ये 249 है जो संसद के राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं इसका किसका आंसर आता है, फटाफट कमेंट करें। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सर्वभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? देखिए राज्यसभा, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, राज्यसभा किसी धन विधेयक में, अब देखिए धन विधेयक की बात आ रहा है तो धन विधेयक कौन सा है, अनुच्छेद 110 में, ठीक है, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है, तो सार्वभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। हाँ बिल्कुल सही है, देखिए लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती, ये कहाँ से आ रहा है भाई, ये नहीं होगा, ये गलत है। 30 सेकंड का समय दे दिया है, चलिए जल्दी फटाफट कमेंट करें। देखिए राज्यसभा, हाँ देखिए अब आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, कोई कार्रवाई कर सकती है ना, देखिए
हाँ बिल्कुल सही है, जितने लोगों का आंसर पहला आ चुका है बिल्कुल सही है। देखिए लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या फिर अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। ठीक है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका कमेंट आंसर करके बताइएगा क्या आएगा। हाँ 30 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ, चलिए फटाफट कमेंट करें। हाँ बिल्कुल सही आंसर, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं हूँ इसका आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ 105 अनुच्छेद बिल्कुल सही है। इसका मैं डिटेल भी बताऊंगा। जिन लोगों का आंसर 3 आया है यानी कि 105, आर्टिकल नंबर 105 आया है, बिल्कुल सही समय पर गए हो, बिल्कुल आंसर। देखिए मैं बहुत खुश लग रहा हूँ आज, क्योंकि देखिए कल से भी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ चुके हैं और इतना आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक प्रावधान है भारतीय संविधान के अंदर संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन मुक्तियों को निर्धारण करता है। बिल्कुल सही है 105। हाँ जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइएगा, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को डेली क्लास के लिए। बिल्कुल मैं आपको PSC यानी कि CG व्यापम और CGPSC की तैयारी करवाता हूँ। ठीक है चलिए मैं डिटेल आपको बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की शक्ति विशेष तथा उन नियुक्तियों को निर्धारित करता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ ये इंडियन GK का क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन GK का जो क्वेश्चन है यानी कि भारत का संविधान से जो आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। और PSC की बात करूँ तो PSC प्री एग्ज़ाम आपका 12 फरवरी को है और पुलिस भर्ती का जो एग्ज़ाम है आपका 29 जनवरी को है, यानी कि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। मैं आपको पहले ही बताया था कि ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावनाएँ बनती है। यहाँ पर कमेंट ना करें फालतू की, ठीक है मैं ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है समझ में आ रहा है ना, यहाँ से मुझे मैसेज का पता चल जाता है। देखिए यहाँ पर जो घंटी दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला नीचे में, ठीक है बेल आइकन की जो घंटी दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ से मालूम हो जाता है कमेंट कौन कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ओके चलिए, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्य तब तक समाप्त समझ नहीं जाती जब वह बिना सदन के सूची किए अनुपस्थित रहता है, कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल देखिए इसका आंसर 60 दिनों का कितने लोगों ने आंसर दिया है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 70% लोगों ने आंसर दिया है 17। ठीक है बिल्कुल सही है, मैं देखे ध्यान से समझा रहा हूँ। यहाँ पर अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद में एवं 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल की किसी सदस्य की सदस्य तब तक समझा जाती है वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है। ठीक है चलिए इसका कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद का कोई भी कानून बना सकती है, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, बिना किसी राज्य की सहमति से, कितने लोगों का आंसर आया है एक ऐसा होगा भाई, क्या है राकेश अंजलि एक ऐसा होगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय साथियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद के कोई भी कानून बना सकती है पूछा गया है, ये नहीं होगा बिना किसी राज्य की सहमति से, कैसे होगा फिर। देखिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है नेक्स्ट टाइम में बता दूंगा इसका आंसर, आप कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। संविधान के विषयों के सूचियों में दिए गए विषय अतिरिक्त कौन सा कानून बना सकता है, देखिए कौन से विषय पर कानून बना सकता है ये बातें याद रखना। 30 सेकंड का समय है, फटाफट कमेंट करें। बिल्कुल देखिए इसका आंसर तो ऐसे ही सभी लोग बता चुके हैं, मैं आप सभी को बताया था संसद के विषयों में कानून बना सकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है हाँ तो ये देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 248 संसद के अवशिष्ट विधायी शक्ति के बारे में प्रावधान करता है। चलिए इसका आप कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, फटाफट कमेंट करें। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य
प्राप्तियों के संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। क्या होगा इसका आंसर? भारत की संचित निधि में। बिल्कुल सही है, भारत की संचित निधि में। ये अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम संसद, लोकसभा, राज्यसभा से क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 110 के तहत, ठीक है। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, ठीक है। चलिए, यहाँ आप कॉपी पेन नोट रख लीजिएगा, मैं ध्यान से समझा दूंगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कॉपी पेन नोट रख, सबसे पहले कॉपी रख लिया अपने साथ में, अब मैं आपको नोट्स कराते जाऊंगा, उसको नोट्स करते जाइएगा। हाँ, अब देखिए, हम टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं, यानी कि पूरा रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है। ये आपका लास्ट था, अब देखिए इसे भी आप जान सकते हैं। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की जो परिभाषा है, और अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये जितने भी मैं आपको बताया हूँ इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद लोकसभा व राज्यसभा से पूछे गए प्रश्न जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आने की संभावनाएं बनती है, ठीक है, नोट्स रख लीजिएगा, ओके। हाँ, यहाँ तक जितने लोगों ने कमेंट किया है, जितने लोगों ने आंसर दिया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए, और जो लोग हमारे चैनल को लाइक किए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब चलिए, अब लोकसभा और राज्यसभा क्वेश्चन देखेंगे जो आपके जीके का एमसीक्यू लेकर आया हूँ, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स एजुकेशन बाय रुपेश, ठीक है। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ प्री एग्ज़ाम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ से, एक मिनट ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप कॉपी रखिएगा, साथ में कॉपी रख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फुल एपिसोड देखने वाले हैं, पूरा मैं आपको बताऊंगा लोकसभा और राज्यसभा से पूछे गए प्रश्न, ठीक है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ध्यान से समझिएगा, कॉपी रख लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जिन लोगों ने कॉपी नहीं रखा जल्दी से कॉपी रखें, नोट करते जाइएगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्क्रीनशॉट लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवाइज, लेकिन एक बार कॉपी रख लीजिएगा साथ में, ठीक है, नोट करते चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम राज्यसभा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले संसद के बारे में एक बार देख लीजिएगा, संसद के बारे में, ठीक है, एक बार संसद के बारे में देख लीजिएगा। भारत की जो संसद है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, ठीक है, जो संसद है आपका, नोट करते जाइएगा, एक मिनट। चलिए संसद से पहले देख लेते हैं, ठीक है। जो संसद है आपका कितने लोगों से मिलकर बनती है? 3 लोगों से मिलकर बनती है, कौन कौन से जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। भारत की जो संसद है आपका राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, लोकसभा से मिलकर बनती है। जो संसद है आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है, कौन से आर्टिकल में? 79 में, यानी कि अनुच्छेद 79 में संघीय संसद, भारतीय संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, राज्यसभा से क्वेश्चन देखेंगे, कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है ध्यान से समझिएगा, ठीक है, नोट करते चलिएगा कॉपी में। हाँ, अब राज्यसभा क्वेश्चन देखते हैं। तो राज्यसभा को क्या कहा जा सकता है? उच्च सदन भी कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है राज्यसभा को? राज्यसभा को क्या कहा जा सकता है? उच्च सदन भी कहा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा के जो सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या आपकी होती है 250, नोट करते चलिएगा, जो भी टॉपिक बता रहा हूँ। राज्यसभा के जो अधिक से अधिक जनसंख्या होती है आपकी, सदस्य होती है आपकी 250 हो सकती है। और राज्यसभा के जो संरचना है उसके आर्टिकल नंबर 18 यानी कि अनुच्छेद 80 से, ठीक है। हाँ, राज्यसभा आर्टिकल नंबर 18 यानी कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा से संबंधित है। और ध्यान से समझिएगा, वर्तमान समय में जो सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में जो सदस्य संख्या है 245, बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जा सकता है और सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक 250 हो सकती है सदस्य संख्या, जबकि वर्तमान में 245 है, आर्टिकल नंबर 80 में लिया गया है। राज्यसभा इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यहाँ पर नोट कर लिए।
कितने सदस्य है, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा व सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त होती है। मैं एक बार दोबारा फिर से आपको दोहरा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। वर्तमान समय में 245 है संख्या, जबकि इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान का अनुभव प्राप्त होते हैं। और जो 233 सदस्य होते हैं, ठीक है, जो 233 सदस्य होते हैं, हाँ नोट कर लीजिएगा, 237 सदस्य होते हैं, संघ इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संघ के इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, संघ के इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखिए, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, राज्यसभा के लिए, ठीक है, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 30 वर्ष, ठीक है। लोकसभा का नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, तो लोकसभा के लिए पूछता है, ठीक है, लोकसभा के लिए पूछता है 25 वर्ष, ठीक है, याद करके रखिएगा, नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। अगर लोकसभा के लिए पूछा जाए तो 25 वर्ष, अगर राज्यसभा के लिए पूछा जाए तो 30 वर्ष, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, फटाफट नोट कर लिए क्या। हाँ, एक और क्वेश्चन आता है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा क्या है, राज्यसभा स्थायी सदन है, ठीक है, राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। एग्जाम में पूछता है कि राज्यसभा कौन सा सदन है, तो आप बताएंगे स्थायी सदन, ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती, ठीक है। अब इसके सदस्यों का कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है, ठीक है, जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक महत्वपूर्ण नोट्स याद रखिएगा राज्यसभा से, ठीक है, राज्यसभा से अब याद रखिएगा कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। भारत का क्या होता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, हाँ, भारत का जो एक उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा का क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, क्या होता है, पदेन सभापति होता है। कौन सा आर्टिकल नंबर में लिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 89 में, ठीक है, इसको याद रखे लेगा, अनुच्छेद 89 में, ठीक है। भारत का जो एक उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। राज्यसभा सभापति एवं उपसभापति किससे लिया गया, अनुच्छेद 89 से लिया गया है, ये महत्वपूर्ण है, एक बार याद रख लीजिएगा। राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा की पहली बार गठन कब किया गया है, राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया है, जल्दी से देखिए, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया है, कब किया गया है, 3 अप्रैल 1952 को, नोट कर लीजिएगा, इसको कमेंट ना करें यहाँ पर, ठीक है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, नोट्स करा रहा हूँ, तो यहाँ पर बिल्कुल कमेंट ना करें, सिर्फ पढ़िएगा। राज्यसभा के लिए गठन कब किया गया, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ उसको कमेंट करके बताइएगा। राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया है, तो राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया, यहाँ पर नोट कर लिए, 3 अप्रैल 1952 को किया गया है, जबकि इसकी पहली बैठक 13 मई 1900 हुई थी, जबकि इसकी पहली बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 को हुई थी पहली बैठक पूछा गया यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों पॉइंट है जो इसको याद रख लीजिएगा। राज्यसभा में पहली बार कब किया गया था, 3 अप्रैल 1952 को, जबकि इसकी बैठक 13 मई 1952 को हुआ था, ठीक है। ये इतने ही क्वेश्चन है जो राज्यसभा से इम्पोर्टेंट है, इसके बाद हम देखेंगे लोकसभा से, ठीक है, लोकसभा कौन सा आर्टिकल नंबर में पूछा जाता है, चलिए अब लोकसभा से क्वेश्चन देखेंगे, एक मिनट ना, यहाँ पर कमेंट ना करें, डिस्टर्ब किया जा रहा है। देखिए लोकसभा से क्वेश्चन देखें जो आर्टिकल नंबर 81 में है, यानी कि अनुच्छेद 81 में, ठीक है। अब देखिए जो लोकसभा होता है निम्न सदन होता है, ठीक है, उसको प्रथम सदन भी कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा क्या होता है, संसद का निम्न सदन और प्रथम सदन होता है, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। जो लोकसभा होता है आपका संसद का निम्न सदन है और प्रथम सदन है, ठीक है।
लोकसभा को कौन सा अनुच्छेद में बताया था आपको, 81 में, ठीक है, याद रखिएगा। और लोकसभा में जो लोकसभा में जो मूल संविधान है उसमें 500 सदस्य संख्या थी, कितनी थी, 500। लोकसभा में जो मूल संविधान है लोकसभा में लोक की सदस्य संख्या थी उसको 500 निश्चित की गई है, जबकि सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है याद रखिएगा, एक बार फिर से मैं आपको नोट्स करा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। चलिए पहला पॉइंट क्या कहते हैं कि मूल संविधान में, मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में अधिक से अधिक संख्या कितनी थी, 500, ठीक है, इसको याद रखिए, मूल संविधान में अधिक से अधिक संख्या 500 निश्चित की गई थी, जबकि इसके सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या, जबकि सदस्यों की अधिक से अधिक जनसंख्या कितनी है, यहाँ पर सदस्य 552, ठीक है, 552 है, जबकि वर्तमान में, इसके वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में जो सदस्य संख्या है आपका 545 है, कितनी है, 545, याद रखिएगा, कितनी है, 545। यहाँ तक हो गया क्लियर क्या, बिल्कुल सही है, कहीं पर डाउट जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लिए, चलिए फटाफट नोट कर इसको, हाँ चलिए इसको फटाफट नोट कर लिए, मूल संविधान में संविधान के इतनी सदस्य हैं 500, जबकि अधिक से अधिक संख्या 552 है, जबकि वर्तमान में 545 है, यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब इसकी योग्यताएं देखते हैं लोकसभा से, ठीक है, तो योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कितनी होना चाहिए, 25 वर्ष। तो पहला देखिए, पहला क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, वह 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष न्यूनतम, 25 वर्ष राज्यसभा के लिए, एक मिनट ना, यहाँ पर क्वेश्चन ना करें, राज्यसभा के लिए कितनी था, 30, राज्यसभा के लिए 30 था, जबकि लोकसभा के लिए 25 है, ठीक है, यहाँ तक हुआ, ठीक है। चलिए मैं आपको क्या बताया था, 25 वर्ष लोकसभा के लिए, ठीक है, हाँ, एक और क्या है, कमेंट करके बताइएगा, वह पागल या दिवालिया ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, बिल्कुल सही है, पागल या दिवालिया ना हो, जितने लोगों ने कमेंट किया है बिल्कुल सही है, गुड, वेरी गुड। और एक और है, चलिए और बताइएगा, राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर ना होना चाहिए, यानी कि कोई भी सरकारी के पद पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, सरकारी के पद पर लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक नोट कर लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ, नोट कर दिए जाइएगा इसको, ठीक है। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, लोकसभा में, ठीक है, एक मिनट ना, चलिए देखिए, लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या 20 होती है, तारांकित प्रश्नों की जो संख्या होती है अधिक से अधिक 20 होती है, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जो शपथ नहीं लेता बल्कि सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट है, देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं, एक मिनट ना, देखिए लोकसभा व राज्यसभा, ठीक है, ये लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है, जो अधिवेशन होता है इसका राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है और स्थगित भी किया जाता है, बुलाया जाता है और क्या किया जा सकता है, स्थगित भी कर दिया जाता है, ठीक है। लोकसभा व राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है और इसको स्थगित भी कर सकता है। और लोकसभा की जो बैठक होती है 6 माह के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, ठीक है, लोकसभा की जो बैठक में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, कितने का, 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे ही, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखें, सदनों की संयुक्त बैठक अधिवेशन होने के लिए आहूत करने के अपने आशय राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा विघटन के लिए होती, कौन सा आर्टिकल नंबर है, 108 में, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। एक और है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का कौन करता है, अध्यक्ष, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ।
एक पॉइंट और याद रखिएगा, बस इतना ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। यहाँ तक आज के लिए इतना ही, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों। जो लोग अगर ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग यहाँ तक अच्छे से तैयारी किए हैं, अच्छे से आंसर दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। अगर जो लोग ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं जैसे PSC व्यापम की, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, डेली लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों।